हेलो। हेलो। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास सेवरेलो की गाड़ी है। सेवरेलो 31 दिसंबर के बाद यहाँ पर सेल वगैरह कुछ नहीं करने वाली है, तो काफी लोग परेशान हो रहे होंगे कि क्या करें। उनके पास वो गाड़ी है, बेच दे रख दे, तो उनके लिए ये वीडियो है। गौर से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो क्या कहते हैं अमित सर आप इस बारे में, और गगन आपका क्या कहना है? शेवरले देखो, शेवरले अभी 31 दिसंबर तो भले ही एक डेट है, बाकी लगभग हर जगह बंद हो साफ हो चुकी है। चुकी है। और जो ओनर्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा परेशान हुआ कि अब तो मतलब उनकी परेशानी भी थोड़ी थोड़ी साफ हो गई कि अब समझ आ नहीं रहा हमें करना क्या है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब 31 दिसंबर जो ऑफिशियल डेडलाइन है, उसके बाद फिर से ये चीज माहौल बनेगा। करना क्या है कि मुझे लगता है सर अमित सर, कि बेचने में मतलब अगर आपके पास गाड़ी है सही कंडीशन में, तो बेचने में ज्यादा लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि खरीदेगा कौन? खत्म रेट मिलेंगे। हाँ, देखो, खत्म पहली रेट में। बात, जो उसका रेट होने का लॉस था, हाँ ये अब कंपनी बंद हो गई तो जो लॉस होना था वो लॉस तो जिस दिन ताला लगा कंपनी में उसी बिल्कुल दिन से हो गया। सही बात हाँ, है। तो अब ये नहीं कि अब और गिरेगा रेट और नहीं गिर सकते। आप जितने जबकि गिनने थे हाँ, फिनिश। जो कंपनी के पास स्टॉक बचा था उसमें भी काफी भारी डिस्काउंट दिया था अरे, उन्होंने टवेरा सेगमेंट पे के। 4 लाख 3 लाख का डिस्काउंट, बीट पे अब जो गाड़ी की रेट 5 लाख है उस पे 2.5 लाख का डिस्काउंट दे दे, एंड में 2.5 लाख का डिस्काउंट देने लग गए थे। क्योंकि चलो ठीक है, वो भी तब जब गाड़ी हाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियां थी, गाड़ियां एक थी सर। ऐसी कंपनी जो कि अच्छी गाड़ियां दे रही थी, उनपे हाँ, डिस्काउंट आपको इतना ज्यादा मिल रहा था। मतलब क्रूज वगैरह तो ऐसे जो बोलते हैं ना कि पूरा चूस लिया, उतना मजा ले लिया उन्होंने, इतना डिस्काउंट मिला, 10-10 लाख में बढ़िया क्रूज लेके जा रहे हैं लोग। तो अब सवाल ये है कि जिनके पास गाड़ियां हैं बेच दें क्या? बेचना तो नहीं चाहिए क्योंकि रेट खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना है? आप मेंटेन करिए। मेंटेन किस करिए। तरह से मेंटेन करना उसका एक हिंट दे दे रहा हूं आपको। एक्यूरेट आप समझना चाहे समझ लीजिए इसी सालों में। पहली चीज, प्यार से चलाइए ताकि उसके क्लच जल्दी खराब ना हो, वेयर एंड टेयर कम से कम हो, यानी लाइफ अच्छी बनी है। दूसरा, प्रॉब्लम किन चीजों में ज्यादा आपको फील होगी आगे फ्यूचर में, वो ये एक्सीडेंटल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल गाड़ी को इतने प्यार से संभाल कर चलाएं कि वो रोज इधर ठुके उधर ठुके, ये सब नहीं। सुकून से आराम से चलाएं ताकि वो इसके एक्सीडेंट ना हो, स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि जितनी बार एक्सीडेंट होंगे वो पार्ट्स ओरिजिनल जगह ही मिलते हैं, बाकी ओरिजिनल जगह आप बची नहीं, तो पार्ट्स नहीं मिलने वाले, आपको उन्हीं को ठीक कराना पड़ेगा। कुछ कुछ गाड़ियां ऐसी है, शेवरले शेवी जो भी आप कहो, उनकी कुछ गाड़ियां कम बिकी है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टिवा और सेल युवा हाँ, वगैरह, सेल तो युवा। इनके पार्ट्स थोड़े ज्यादा मुश्किल होंगे, बीट वगैरह के पार्ट्स थोड़े आसान होंगे। तो बस यही है कि पॉपुलर कार्स जो है वो तो शायद आसानी हो पार्ट मिलने में, लेकिन जो ज्यादा नहीं खरीदी गई है उनमें थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी। तो सीधा उनका सीधा का नाम लेने चाहे तो बीट के साथ कम प्रॉब्लम आएंगी, क्रूज के साथ कम प्रॉब्लम आएंगी, इनके अलावा बचे हुए नामों में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल खासतौर से जो और ब्रांड रहे हैं, आवियो, हाँ, जिनके सेल, बारे में थोड़ा इन। कम हाँ, जो ये नहीं दिखने में, है। आप ये हाँ मान लो जो गाड़ियां दिख कम रही हैं उनके पार्ट्स इतने कम मिलेंगे बिल्कुल कंपनी ना के करें। जाने के बाद। और सर्विस की बात अगर मैं कहूँ, सर्विस आपकी होगी, महिंद्रा आपको सर्विस देगा सेवरेले की, और आप महिंद्रा के सर्विस सेंटर में आप उसकी सर्विस करवा सकते हैं। और दूसरी, अगर पार्ट अवेलेबल भी होंगे तो उसमें डिले हो सकता है। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जहां हाँ, 4 दिन में पहले सही होनी थी, आप उसको 8 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, पार्ट को 1 महीना लग सकता है। 1 महीना भी लग सकता है हाँ, बिल्कुल पार्ट आने में, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब गाड़ी आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो लगभग 8 से 10 साल तक आपको उसका पार्ट देने पड़ते में हैं। ऐसा हाँ, कोई पड़ता नियम तो नहीं, लेकिन मतलब हाँ, समझदारी ये है, ऐसा करना प्लस चाहिए। कंपनी, क्योंकि जनरल मोटर्स की गुडविल बहुत ज्यादा रही है, हाँ बहुत जबरदस्त कंपनी रही है, और इवन इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलेंगे, तो वो चलेंगे। डेफिनेटली ये नादानी नहीं करेंगे कि वो गायब हो गए पूरा सप्लाई चेन एक और खत्म भी हो चीज जाए। है कि इंडिया से बीट एक्सपोर्ट होती है, बिल्कुल और इस बिल्कुल समय लगभग हर महीने 4,000 कारें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो पार्ट्स बना ही रहे हैं तो देने में तो फिर कहां उस है, पार्ट्स को इंडिया में बेचने में उन्हें तकलीफ नहीं बस ये होगी। है कि नेटवर्क कमजोर हो जाएगा इसलिए डिले हो हाँ, जाएगा। तो महिंद्रा की सर्विस सेंटर में, महिंद्रा के सर्विस सेंटर में आपको मिलेंगे, उसके पार्ट्स भी मिलेंगे। पार्ट्स मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप आने वाले 1-2 साल तक तो ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, ये प्रॉब्लम हाँ, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं ऐसी दिखाई देंगे कि इसका ये पार्ट नहीं मिल रहा है, वो पार्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी अगर आपकी गाड़ी में अभी कोई काम बचा हुआ है, कोई मेजर वर्क है, तो आप उसे अभी जल्दी करा दे। हाँ अगर आपको लगता है कि कर जल्द रिसेंटली क्लच प्लेट जो है वो चली हाँ जाएगी,
या आपको लगता है कि मेरा बम्पर बहुत ज्यादा टूट रखा है, थोड़ा सा और तोड़ के इंश्योरेंस क्लेम ले लो तो अभी करवा लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। और बेचना नहीं चाह रहे हैं आप गाड़ी तो, और रखना चाह रहे हैं 4-5 साल 7-8 साल जिन्होंने, हाँ जिन्होंने अभी 2-3 साल पहले ही ली है, क्योंकि एक गाड़ी पेट्रोल गाड़ी लगभग 10 साल तक चल सकती है आराम से। और अच्छा इंजन, इंजन सारे अच्छे हैं, इंजन अच्छे, इंजन साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो इंजन की प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी भी अच्छी है उनकी। बस प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है कि सर्विस अवेलेबल नहीं हो पाएगी उस लेवल की जो कि शेवरले खुद कहता था। महिंद्रा की सर्विस पहले ही से कितनी अच्छी है हम और आप दोनों अच्छे से जानते हैं, उसको यूँ कहना थोड़ा गलत है लेकिन उल्टा दिखा नहीं सकता, इसलिए कह नहीं रहा हूँ। मोबाइल उल्टा पकड़ के देख लीजिए, वो सीधा यूँ हो जाता है। और ऐसी ही सर्विस है महिंद्रा की, तो जब ऐसी सर्विस वो अपनी कार में देते हैं तो शेवरले की कार में इसके बाद कितना और नीचे ले जाएंगे ये नहीं पता, जिसकी नॉलेज उन्हें थोड़ी कम होगी। हाँ। क्योंकि महिंद्रा की आमतौर पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होती उनके इंजन में, जबकि शेवी के साथ काफी अच्छे इंजन होते हैं। तो यही चीज है कि आप बेचना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से रखिए कि ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, तरीके से चलाइए गाड़ी। अगर मेजर वर्क है तो उसे करवा लीजिए, बेचने में तकलीफ नहीं है लेकिन कोई वैल्यू उतनी अच्छी नहीं। हाँ वो जो नुकसान होना वो तो हो ही चुका अब आपको, लेकिन फिर भी समझदारी इसलिए नहीं दिखती है, रखने में ज्यादा फायदा है, ज्यादा फायदा है। अगर आप चाबी को लेके किसी डीलर के पास जाते हैं, यूज्ड कार डीलर के पास या फिर किसी को बेचने जाते हैं, तब आपको एहसास होगा कि यार क्या गाड़ी ले ली मैंने। उससे पहले आप अगर गाड़ी को चलाएंगे तो कुछ तो नहीं होगा। यूज्ड कार डीलर जो लेंगे नहीं, वो लेंगे नहीं, वो कह देंगे सर आप यहाँ खड़ी करके जाओगे यहाँ पार्किंग का खर्चा पड़ जाएगा हमारे, कोई उसको लेने नहीं आएगा। वाले कार नहीं खरीदेंगे, और बेहतर यही है आप उसको चलाएं, वरना आपको बेचते हुए तकलीफ होगी और रखते हुए तकलीफ नहीं होगी। ये बात है, ये बात है। वो मारुति 800 वाला हाल है कि जिसके पास है वो खुश है, बेचने जाएगा तो मजा नहीं आएगा लेकिन चलाने में ज्यादा बेहतर वो वैल्यू निकाल लेगा, कम से कम गाड़ी तो है आप। एटलीस्ट सर्दी पानी से तो बचाएगी। तो यही था शेवरले वाले जितने भी ओनर है उन गाड़ियों के, तो ऐसे आप अपनी गाड़ी मेंटेन करके रखिए और अभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पार्ट वगैरह मिलेंगे 2-3 साल तक तो मिलेंगे आराम से। तो इतना ही कहना चाहेंगे हम सब लोग, थैंक यू अमित सर और गगन, मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।